हम अक्सर अपने टीवी न्यूज़ चैनल पे ये देखते हैं कि हवा की दिशा जो है वो उत्तर पूर्वी हो रही है, जिसके कारण गर्मी के बढ़ने की अब संभावना है। या हम ये सुनते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन रहा है, लो सिस्टम बन रहा है एयर प्रेशर का, जिसके कारण कोई साइक्लोन आने वाला है। तो ये सब क्या है और ये किससे इफ़ेक्ट होता है? ये सब इन सब का प्रभाव जो है वो विंड के कारण है। तो आज हम इसी संबंध में देखते हैं पूरा विंड सिस्टम। विंड है क्या, ये कैसे चलती है, इसकी दिशा कैसे निर्धारित होती है कि ये उत्तर पूर्व से आएगी या दक्षिण पश्चिम से चलेगी। तो ये पूरा विंड सिस्टम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम बोलचाल में तो कह देते हैं कि वायु या पवन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, ये दोनों में अंतर है। हमको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स, वेपर्स की, वाटर वेपर्स की और गैसों की सांद्रता है। तो जब ये कांस्टेंट रूप में होते हैं, मतलब एक जगह स्थिर हैं, तो हम इसे एयर या वायु कहते हैं। और जब इसी एयर में गति होने लगती है, ये मूवमेंट करने लगता है, तो हम इसे हवा या विंड या पवन के नाम से जानते हैं। अब ये तो हो गई कि एयर में जब मूवमेंट हो रहा है तब हम इसे विंड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन एयर में मूवमेंट होता क्यों है, पवन ब्लो क्यों करती है, इसका कारण हम देखते हैं। मुख्य रूप से दो कारण होते हैं इसके पीछे, जिसके कारण हवा या पवन चलती है। नंबर वन है प्रेशर ग्रेडियंट। जब हमने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ा था तो हमने देखा था आइसोबार्स के माध्यम से किसी भी दो स्थान के बीच में दाब में जो भिन्नता होती है, दाब में अंतर आ रहा है, अंतर जितना अधिक होगा उसमें ग्रेडियंट या प्रवणता, या हम ये बोलेंगे कि ढाल की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, ये जो खड़ी लाइन्स हैं ये हमारे आइसोबार्स हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आइसोबार्स के माध्यम से हम वहाँ पर की वायु दाब को दिखा रहे हैं। माना कि ये फर्स्ट लाइन जो है, हालांकि यहाँ पर हमने सीधी लाइन से इसको शो किया है, लेकिन वायु दाब रेखा जो है, सम दाब रेखा जो होती है, वो कभी भी सीधी नहीं होती। हम इस पर बात कर चुके हैं, वो थोड़ा सा कर्व होती है ना। अभी हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। तो माना कि इसका यहाँ पर दाब जो है वो 1000 मिलीबार है। फिर हम देख रहे हैं आगे की तरफ ये क्रमशः जो है कम होती जा रही है। तो ढाल किधर हुआ, अधिक से कम की तरफ। इसको और छोटे एग्जांपल से आप दे सकते हैं। पानी भी जो है, कहीं पर पानी का भी जो बहाव होता है वो अधिक ढाल से कम ढाल की ओर होता है। मतलब जहाँ पर हाइट अधिक होगी और जिधर हाइट कम होती है, तो पानी भी जो है वो अधिक ढाल से कम ढाल की ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पर प्रेशर अधिक है वहाँ पर वो हाइट पे है, या हम ये बोल सकते हैं हाई प्रेशर वाला एरिया है। और जैसे जैसे ये क्रमशः आइसोबार्स कम होते जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर दाब की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर ढाल जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हुआ। कोई भी चीज़, पानी का एग्जांपल लिया, चाहे हम टेम्परेचर की भी बात करेंगे या फिर हम दाब की भी बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अधिक से कम की तरफ। हमने ऊंचाई की बात की कि ढाल जो है वो कहाँ पर होगा, अधिक से कम की तरफ। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हवा भी जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है या बहती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, विंड जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो गैप्स हैं आइसोबार्स के बीच में या दाब के बीच में जो हमको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर तो हमको अधिक दिख रहा है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दाब या प्रेशर की जो वैल्यू है वो बहुत जल्दी चेंज हो गई। मतलब दो दाब की वैल्यू के बीच में हमको अंतर जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ढाल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ढाल अधिक मात्रा में है, इसका मतलब जहाँ पर भी प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो अधिक होता है, वहाँ पर विंड की स्पीड जो है वो अधिक होती है।
पवन बहुत तेज गति से चलती है और जितनी तेज गति से हवा चलेगी उसमें ऊर्जा भी या पवन ऊर्जा की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये जो दो आइसोबार्स हैं इनके बीच में बहुत हमको कम स्पेस देखने को मिल रहा है और यहीं पर विंड एनर्जी जो है वो हमको बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। विंड एनर्जी भी जैसा मैंने बताया कि विंड इम्पॉर्टेंट है तो विंड एनर्जी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हम अपने भारत में देखेंगे, आप हमारे भारत के नक्शे में देखिए, पूरे वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है, हम साउथ से लेकर वेस्ट की तरफ चले जाते हैं तो केरल, कर्नाटका या हम गुजरात की बात करेंगे तो पूरे कोस्टल एरिया में हमको यहाँ पर विंड जनरेटर जो हैं वो लगे हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार प्लांट लगा दिया और उसके बाद हमको पूरे समय फ्री में जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व में ऊर्जा संकट एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर उभर कर आई है। हमारे लिए ये है कि हम नेचुरल तरीके से ज़्यादा एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस कर पाएँ, क्योंकि जो कोयला है वो भी हमको सीमित मात्रा में है, उसकी लगातार कमी हमको देखने को मिल रही है। चाहे हम पेट्रोलियम की बात करें वो भी एक सीमित मात्रा में ही है। तो अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शन उभर कर आ रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या फिर विंड के माध्यम से हम पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा या एनर्जी जो है वो जनरेट करें। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ज़्यादा ग्रेडियंट जहाँ पर भी आइसोबार्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज या अंतर आ रहा है, वहाँ पर विंड एनर्जी ज़्यादा होगी। और हमने अभी देखा कि ऐसे पूरे कोस्टल एरिया में, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में हमारे सामने एग्जाम्पल है कि इसके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा जो है वो पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि विंड क्यों चल रही है। नंबर वन, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, मतलब दाब में अंतर के कारण। ये हमेशा ये एकदम सत्य है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है। इसमें हमने एक बार बात भी की थी कि मनुष्य भी जो है वो भी क्या करता है, ज़्यादा क्राउड, भीड़ जहाँ पर ज़्यादा होती है तो भीड़ के दबाव या प्रेशर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर कम भीड़ भाड़ वाली जगह जो होती है वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों के इसका दबाव जो है वो कम होता है। तो ये सभी के साथ होता है, ऐसा है ना। तो नंबर वन हो गया कि प्रेशर ग्रेडियंट कारण है, और दूसरा उसका रीज़न है विंड के चलने का, वो है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है और उसके घूमने से कोरियालिस फोर्स जो है वो उत्पन्न होता है, कोरियालिस बल। बच्चों, दूसरा हम देख रहे थे पृथ्वी की घूर्णन गति। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है और उसके घूमने के कारण ही जो दिन और रात वाली घटनाएं हैं ये होती हैं। हवाओं के चलने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी पवनों की दिशा के लिए जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो जिम्मेदार हम कह सकते हैं। वो ऐसे कि पवन की दिशा जो है वो हमको मालूम है कि वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो ये चीज़ जो है वो हर जगह लागू होती है। एक तो फेरल्स लॉ है और दूसरा है आपका बायस बैलेट नियम या बायस बैलेट लॉ। तो पहले हम देख लेते हैं फेरल्स लॉ क्या कहता है या फेरल का नियम क्या कहता है। कि कोई भी जो घूमती हुई चीज़ है वो जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो अपने घूमने के कारण उस पे जो घूर्णन गति लग रही है उस फोर्स के कारण उसमें डिफ्लेक्शन फोर्स जो है वो काम करता है। इसको हम पवनों में समझ सकते हैं। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो इसके कारण जब हवा जो है वो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो अपने स्थान पर, मतलब जिस स्थान की ओर उसे जाना होता है वो उस स्थान पर ना पहुंचकर
या तो उस स्थान से थोड़ा आगे बढ़ जाती है या थोड़ा पीछे छूट जाती है। इस क्रिया को डिफ्लेक्शन ऑफ विंड कहते हैं या पवन का विक्षेपण कहा जाता है। और ये जो नियम है वो सबसे ज्यादा आपको भूमध्य रेखा पर मिलता है, मतलब भूमध्य रेखा पर हमको डिफ्लेक्शन फोर्स जो है सबसे ज्यादा कार्य करता हुआ मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि हमको मालूम है, अभी हमने बात की कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो इसी को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि हम इक्वेटर का कोई जगह ले लें और उसे भी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाकर वापस इसी स्थान पर आना है, और यदि हम किसी मध्य अक्षांश का कोई स्थान लें या कोई ध्रुवीय स्थान को ले लें, तो उसे भी 24 घंटे में पूरा अपना एक चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर आना होगा। तो ये कहलाता है आपका फेरल्स लॉ। और फेरल्स ये बताते हैं कि इसी विक्षेपण के कारण विश्व में जो भी गतिशील वस्तुएं हैं, अभी हम पवन का उदाहरण ले रहे हैं या पवन के विषय में पढ़ रहे हैं, तो पवन जो है वो इसी घूर्णन गति के कारण और इस विक्षेपण बल के कारण अपने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये है फेरल्स लॉ। हमने अभी इसका देख लिया कि दो कारण हैं जिसकी वजह से विंड में या एयर में मूवमेंट हो रहा है और वो विंड में विंड कहला रही है। तो ये हो गई कि विंड क्यों चलती है। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम मेज़र कैसे करते हैं। इसको मेज़रमेंट करने का तरीका या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नंबर वन इंस्ट्रूमेंट इसका होता है जब हमको दिशा निकालनी है कि पवन की दिशा किस तरफ है, किस दिशा से पवन आ रही है, तो इसके लिए हम विंड वेन या वेदर कॉक का उपयोग करते हैं। और जब हमको इसकी स्पीड या गति निकालनी होती है कि विंड की स्पीड क्या है, गति क्या है, तो इसके लिए हम एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं इसकी गति और दिशा का पता लगाने के लिए। अब ये बात हो गई कि क्यों चलती है ना, हम इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब विंड के चलने का इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या प्रभाव होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम अपने अर्थ में देखें, अगर विंड नहीं चलती तो आप इमेजिन कीजिए हमारे अर्थ में जो पोल हैं, जो एकदम कोल्ड एरिया हैं जहाँ पर सन रेसेस जो है वो एकदम तिरछी हो जाती हैं, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब जहाँ पर सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ रही है और तापमान बहुत ज़्यादा है, तो अगर विंड नहीं चलती तो टेम्परेचर का ट्रांसफ़र नहीं होता लो लैटिट्यूड मतलब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ या उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ। तो तापमान का ट्रांसफ़र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम विंड करती है। अगर विंड नहीं चलती तो जो पोल एरिया है वो कोल्ड से कोल्डेस्ट हो जाते और जो इक्वेटर वाला एरिया है वो हॉट से हॉटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म से अधिकतम गर्म हो जाता। तो एक इसका प्रभाव है कि विंड के चलने से ये तापमान को टेम्परेचर का ट्रांसफ़र करता है। और प्रभाव होता है इसका जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या गैसें जो हैं, इसको भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करता है। अगर विंड नहीं चलती तो इमेजिन कीजिए जो इतना अर्बनाइजेशन बढ़ा हुआ है, औद्योगिकरण इतना ज़्यादा जो हो रहा है, तो विंड के माध्यम से अगर एटमॉस्फेयर में इन डस्ट पार्टिकल्स या गैसों का जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं होता तो इन औद्योगिक नगरों के ऊपर धूल और धुएं का एक गुंबद खड़ा हो जाता और पूरा उसका ऊपरी एटमॉस्फेयर जो है वो एक ऊष्मा द्वीप के रूप में डेवलप हो जाता। तो इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में जो उपस्थित तत्व हैं उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रांसफ़र करता है। महासागरों का जल जो है वो भी मूवमेंट कर रहा है ना, चाहे हम अटलांटिक महासागर की बात करें या हम प्रशांत महासागर की बात करें या हिंद महासागर की बात करें, मैक्सिमम जो करेंट्स चलती हैं महासागरों में, धाराओं के चलने का जो इम्पोर्टेंट कॉज है, महत्वपूर्ण जो कारण है, वो विंड ही है,
प्रिवेलिंग विंड्स या हम जो परमानेंट विंड्स या ग्रही हवाएं जो हम कहते हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में काम करते हैं धाराओं के चलने के लिए। तो ये हमने देख लिया कि विंड चली और विंड के चलने के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ विंड देख लेते हैं। विंड कितने प्रकार की होती हैं? विंड पवन तीन प्रकार की होती हैं, आप जैसा देख रही हैं। नंबर वन है आपका परमानेंट विंड्स, या हम इसी को प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं, ग्रही हवाएं भी कहते हैं और प्राइमरी विंड्स भी कहते हैं। तो नंबर वन हो गई आपकी ग्रही हवाएं, या स्थाई हवाओं के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब नंबर टू हम देखते हैं सीजनल विंड्स या मौसमी हवाएं, जो सीज़न के अनुसार अपनी दिशा बदल देते हैं, उन्हें हम सीजनल विंड्स या मौसमी हवाएं कहते हैं। नंबर थ्री आप देखिए, इन दोनों पवनों के अतिरिक्त कुछ छोटे जगहों में स्थानीय रूप से कुछ हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, उनको हम स्थानीय हवाएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, हम डिटेल से और इसको आगे देखेंगे, पर्वत समीर हो गया, घाटी समीर हो गया, ये सब स्थानीय पवनों के एग्जाम्पल हैं। अब ये टाइप्स ऑफ विंड को या विंड के प्रकार के बारे में ज़्यादा डिटेल से चर्चा करने के पहले हमको ये पढ़ना होगा कि हमारे पूरे अर्थ में कुल कुछ सेल्स बनते हैं, कुछ कोशिकाएं हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट के बीच में हवाओं के मूवमेंट करने से, हवाओं के ब्लो करने से, मतलब हवाएं जो है वो सरफेस पे चल रही हैं, सरफेस पे चलने के बाद फिर ऊपरी एटमॉस्फेयर में चलती हैं। तो ये पूरा अपना एक सर्कल बनाती हैं, एक सेल बनाती हैं, जिसे हम कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो परमानेंट विंड्स को चलने पढ़ने से पहले हम इन कोशिकाओं के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये परमानेंट विंड्स या ग्रही हवाएं जो हैं वो किन सेल के बीच में चलती हैं। आइए देखते हैं। हमारा अर्थ है, ये अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर लगातार मूवमेंट कर रहा है कि ध्रुव है, और ये हमारा इक्वेटर जो पूरे अर्थ को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर और उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। पोलर जो रीजन होता है, वहाँ पर सन की किरणें जो है वो एकदम तिरछी होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं के बराबर ही पड़ती हैं, और इक्वेटर के आसपास सीधी पड़ती हैं। तो इक्वेटर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और पोलर रीजन में फ्रीजिंग पॉइंट होता है वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इक्वेटर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से सेल्स बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए, हमने बात की थी कि इक्वेटोरियल, ये हमारा अर्थ मूव कर रहा है, मूव करने से ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से ये हवाएं जो हैं वो राइज करती हैं। राइज कर रही है मतलब ऊपर की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हवा है वो वहाँ पर के टेम्परेचर से गर्म हो गई है, और गर्म हवा जो है वो संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। यह हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इक्वेटोरियल ये लो प्रेशर बेल्ट से ऊपर उठी हवा कहाँ तक ऊपर उठ रही है? ट्रोपोस्फीयर या ट्रोपोपास तक। ट्रोपोस्फीयर तक इसलिए उठती है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फीयर तक पहुँचने तक ये इतनी ठंडी हो जाती है कि उसके बाद ये ऊपर मूव नहीं कर सकती। अब ये नीचे उतरना भी चाहेगी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, तो ये इस एरिया में तो उतर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से लगातार हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं, उठ रही हैं। तो राइज करने से ये इसको पुश करती हैं ऊपर की तरफ, तो मजबूरन ये ऊपर उठी हवाओं को क्या करना पड़ता है, ये अपने डाइवर्ट हो जाती हैं अपने दाएँ और अपने बाएँ, है ना। अब ये जो डाइवर्ट हुई हवा जो है वो क्या होती है, अब हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अर्थ में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से ऊपर उठी हवा यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर तक ऊपर उठी, अब ये ऊपरी एटमॉस्फेयर में चलने लगी, क्या बनकर? जेट बनकर। जेट हवाएं क्या होती हैं, ये ऊपरी वायुमंडल लगभग ट्रोपोस्फीयर और ट्रोपोपॉज के पास चलने वाली, बहुत तेज गति से चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? जेट हवाएं।
तो ये जो हवा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से ऊपर उठी और ऊपर ऊपर ट्रोपोस्फीयर पे ये चली, क्या बनकर? जेट। और चूंकि ये ट्रॉपिकल जोन में चल रही है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन, सॉरी ट्रॉपिकल जेट। अब ये ट्रॉपिकल जेट बनकर ऊपरी एटमॉस्फेयर में चल रही है और यहाँ पहुँचने के बाद ये सब ट्रॉपिकल, ये जो सब ट्रॉपिकल आपका लो प्रेशर बेल्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ उतरेगी, नीचे उतरेगी। यहाँ से नीचे उतरी हवा जब सरफेस पे पहुँचती है 32-35 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पर तो हाई प्रेशर बन रहा है, वो चीज़ तो है ही। उसके बाद ये यहाँ पर पहले तो ठंडी थी, अब उतरने के कारण उसमें कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न की प्रक्रिया से ये गर्म हो जा रही है। और यहाँ के एटमॉस्फेयर से भी, चूँकि ऊपर ट्रोपोस्फीयर तक तो वो बहुत ठंडी थी और ये निचले सरफेस पे आई तो इसका नेचर जो है वो फिर से गर्म हो गया। तो अब ये गर्म हो गई और यहाँ से फिर ये कहाँ चलने लगती है, चूँकि यहाँ पर प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर से फिर ये इक्वेटोरियल ये लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलने लगती है। अब ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलने लगी, क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो उठी हुई हवा है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चल रही है, ये सीधे क्यों नहीं आ रही है, है ना, ये सीधे क्यों नहीं आ रही है, ये थोड़ी तिरछी हो जाती है, चाहे हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें और चाहे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें, ये आप इसमें देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। तो ये फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के पास पहुंची, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के पास पहुंचने से फिर ये एकदम गर्म हो गई, फिर ये राइज करेगी ट्रोपोस्फीयर पहुंचने तक, ये फिर से ठंडी हो गई, फिर ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी अपने दाएँ और बाएँ तरफ, ये फिर ऊपरी ट्रॉपिकल जेट बनकर ऊपरी एटमॉस्फेयर में चलने लगी, ट्रॉपिकल जेट बनकर चली, ट्रॉपिकल जेट बनने के बाद फिर ये उतरी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास, सब ट्रॉपिकल ये हाई प्रेशर बेल्ट के पास जैसे ही पहुंच रही है तो उसके बाद ये फिर से सरफेस विंड बन के चलने लगी, जिसे हम ट्रेड विंड्स, हमने अभी बात की थी ट्रेड विंड्स की, तो ये ट्रेड विंड्स बनकर चलने लगी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक। जैसे ही ये इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के पास पहुंचती है वे फिर से गर्म हो जाती है और इसमें गर्म होने के कारण संवहन धाराएं उठने लगती हैं और ये उठी संवहन धाराएं जब ऊपर की तरफ उठती हैं ट्रोपोस्फीयर तक फिर पहुंची, ट्रोपोस्फीयर तक पहुंची फिर ठंडी हो गई, यहाँ ठंडी होने के बाद ये फिर डाइवर्ट हो गई, ट्रॉपिकल जेट बनी, ट्रॉपिकल जेट बनने के बाद फिर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तक नीचे उतरी, फिर ट्रेड बनी, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड बनी और इधर से सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड बनी, यहाँ से फिर पहुँचने के बाद गर्म हुई, फिर ऊपर उठी, तो ये एक सेल बन जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे सेल बन जाता है ट्रॉपिकल जेट ऊपरी एटमॉस्फेयर में और सरफेस में ये ट्रेड बनकर चलने लगती है। इसे मतलब पहले राइज होना, फिर उतरना, फिर पहुंचना, फिर कन्वेंशनल करेंट संवहन धारा बनकर फिर ऊपर उठना, फिर ठंडी होना, फिर डाइवर्ट होना, फिर नीचे उतरना, फिर ट्रेड, तो ये जो सेल है, सबसे पहले इस सेल का पता हेडली महोदय ने लगाया था, इसलिए हम इसे हेडली सेल या हेडली कोशिका या हम इसे, चूँकि ये ट्रॉपिकल जोन मतलब जीरो डिग्री इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक चलती है, इसलिए हम ट्रॉपिकल जोन में चलने के कारण इसे ट्रॉपिकल सेल के नाम से भी जानते हैं। अब ऊपर आते हैं, हम ऊपर देखते हैं, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ से हवाएं जो है वो राइज कर रही हैं, हम देख पा रहे हैं एक जो है वो पोलर जोन की तरफ जा रही है, पोलर रीजन की तरफ, और एक जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ उतर रही है। अब पहले जो पोलर रीजन की तरफ ऊपर उठी हुई हवा ऊपर उठती है, पोलर रीजन तक जाती है, वहाँ पर फिर टेम्परेचर लो होने के कारण ठंडी हो गई, ठंडी होने के कारण वो फिर सरफेस में नीचे उतरती है और पोलर विंड बनकर वो आपके 80 to 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लेकर 60 to 65 डिग्री के बीच में मूव करती है, फिर से वो आ गई आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के पास और वहाँ पर फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको पुश कर रही है, तो वो विंड जो है वो बाहर फेंकी जा रही है ना, उसके बाद वो फिर मूव करेगी एक पोलर रीजन में और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। तो पोलर रीजन
अब ये जो सब पोलर रीजन से ऊपर उठी हुई हवा है, एक जो गई पोलर रीजन की तरफ और दूसरी जो है वो किधर आ रही है आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास आई, वहाँ पर हवा नीचे उतरी, नीचे उतरने के बाद ये फिर से सरफेस विंड बनकर कहाँ पर चलती है, वेस्टर्लीज के रूप में। अब उसकी दिशा क्या हो गई, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्लीज बनकर चलने लगती है। उसके बाद वहाँ गई, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये फिर से ऊपर उठी, और ऊपर जब वो उठती है और ऊपरी मतलब ट्रोपोस्फीयर तक फिर ये जा रही हवा है ना, क्षोभ मंडल में लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बीच में, तो जब ये फिर से ऊपरी एटमॉस्फेयर में विंड बनकर चल रही है तो ये क्या कहलाएगी, फिर से जेट स्ट्रीम के रूप में चली, और इस जेट का नाम होता है टेम्परेट जेट। क्या नाम होता है, टेम्परेट जेट बनकर ये चली, और फिर आपके आ गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास, वहाँ पर उतरी, वहाँ उतरने के बाद फिर से एक जो है वो ट्रेड के रूप में चली और दूसरी जो है वो वेस्टर्लीज के रूप में चली, और ये सिक्वेंस जो है वो चलता रहता है। तो ये दूसरा जो सेल बन गया एक कोशिका कि हवाओं का ऊपर की तरफ उठना, फिर ऊपरी एटमॉस्फेयर में जेट बनकर चलना, फिर नीचे सरफेस पे पहुंचना, सरफेस पे एक कभी ट्रेड बनकर चल रही है और दूसरी तरफ वेस्टर्लीज बनकर चलना, फिर से ऊपर उठना, एक सीक्वेंस ये फिर से बन गया सेल के रूप में, उठना उतरना, फिर से सरफेस में चलना, फिर ऊपर उठना, फिर नीचे उतरना। तो ये जो सेल है वो फेरल सेल के नाम से जाना जाता है, या हम इसको टेम्परेट सेल भी कहते हैं। तो ये हो गई दो सेल। अब यही जो आपके लगभग 60-65 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का एक ब्रांच जो है वो साउथ की तरफ डाइवर्ट हुआ था, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ, और एक ब्रांच जो है वो पोलर रीजन की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपरी एटमॉस्फेयर में चल रही है, यहाँ भी है ना आपके ट्रोपोस्फीयर के पास लगभग 10 से 12 किलोमीटर, तो ये क्या बन गई, जब पोलर रीजन की तरफ चल रही है तो हम इसे पोलर जेट के नाम से जानते हैं, जब ये ऊपरी एटमॉस्फेयर में चल रही है। फिर ये जेट जो है फिर नीचे की तरफ उतरती है पोलर रीजन में, पोलर रीजन में जैसे ही आती है फिर सरफेस विंड, सरफेस विंड यहाँ पर चूंकि ये ध्रुव से चल रही है इसलिए हम इसे पोलर विंड के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पोलर विंड के रूप में चली, फिर पहुँची सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के पास, यहाँ से फिर उठी, फिर ऊपरी एटमॉस्फेयर में चली पोलर जेट बनकर, फिर पोलर रीजन में उतरी, फिर पोलर विंड के नाम से चली। तो ये सिक्वेंस यहाँ भी चल रहा है। तो ये बन गई तीसरी सेल या तीसरी कोशिका, जिसे हम पोलर सेल या फिर ध्रुवीय कोशिका के नाम से जानते हैं। तो जैसा हमने देखा कि जो स्थिति हमारे नदन हेमिस्फीयर में है वही स्थिति हमारे सदन हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है, दोनों में ही समान रूप से तीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए कि ये जो तीनों कोशिकाएँ हैं उसमें सबसे ऊँचाई पर जो है या जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो ट्रॉपिकल सेल होता है या हेडली सेल, उसके बाद क्रमशः छोटा होता जाता है टेम्परेट सेल या हम इसको फेरल्स सेल भी कहते हैं, और उसके बाद सबसे छोटा जो है वो पोलर सेल होता है। ऐसा क्यों, हम सभी जान रहे हैं कि हमारा अर्थ जो है वो जियो आकृति में है, मतलब ये इक्वेटर, हमारे इक्वेटर के पास ये उभरी हुई स्थिति है इसकी, फैली हुई है ज़्यादा, और ध्रुवों के पास ये एक पॉइंट के रूप में है। तो इसीलिए तो हम पढ़े हैं कि हमारे क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है या उसका जो फैलाव है वो इक्वेटर पर ज़्यादा है और ध्रुवों पर कम होता है, इसी कारण इन सेल्स की भी जो हाइट या ऊंचाई है वो इक्वेटर पर ज़्यादा होती है और पोलर सेल पर, पोलर सेल की जो हाइट है वो सबसे कम होती है। अब हमने ये देख लिया, इसे हम ट्राई सेलुलर संचरण या सर्कुलेशन भी कहते हैं, मतलब वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण ये हम कह रहे हैं, जो सरफेस में भी हो रहा है और एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, वायुमंडल का सामान्य त्रिकोशीय परिसंचरण।